नमस्कार दोस्तों, करियर अड्डा चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम धर्म और आप देख रहे हो मेरा चैनल करियर अड्डा। दोस्तों, जिन दोस्तों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, कॉलर में जो रेड कलर की बटन उस पर क्लिक करो, ईमेल आईडी के थ्रू लॉग इन हो जाओ, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। और जो बेल आइकन है उसको आप जरूर प्रेस करो, क्योंकि बेल आइकन अगर आपने नहीं प्रेस किया तो हमारे नई वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो आपको नहीं मिलेगी। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो के टॉपिक ये है कि डिप्लोमा के पीछे, पॉलिटेक्निक के पीछे लोग भाग क्यों रहे हैं, इसका रीजन क्या है। मैं आपको बता दूं कि जब से बीटेक आया है, पहले एक टाइम था कि बीटेक के पीछे हर बंदा, हर घर में इंजीनियर हुए, इतने इंजीनियर हुए, इतने इंजीनियर्स जुटे कि बेरोजगारी की हद हो गई। तो लोगों ने क्या सोचा कि लोगों ने अपनी मेंटेलिटी चेंज की कि बीटेक की जगह डिप्लोमा किया जाए, पॉलिटेक्निक किया जाए तो और ग्रोथ होगी। फिर लोग इतने, मतलब लोगों ने इंटरेस्ट दिखाया पॉलिटेक्निक करने में, डिप्लोमा करने में, उसकी मार्केट को भी कचरा कर डाला। और डिप्लोमा की हालत इतनी बुरी हो गई है, मैं क्या बताऊं आपको। लेकिन उसी डिप्लोमा में बहुत सारे ऐसे लोग हैं आज भी, डिप्लोमा सही से करते हैं, सही से पढ़ाई करते हैं और अच्छी जॉब लेते हैं। तो डिप्लोमा के पीछे आप भागे मत लोगों को सुन के कि नहीं यार वो कह रहा था, बीटेक से अच्छा तो भैया डिप्लोमा है। तो किसी के बहकावे में आकर के ना कि यार बीटेक से अच्छा डिप्लोमा है, कंपटीशन और मेहनत दोनों सेम लेवल पे है। और ये डिपेंड करता है कि आप कितना मेहनत करते हो। अगर आप सही से मेहनत नहीं करते हो तो प्रॉब्लम में फंस जाओगे। और भागने से अच्छा है कि आप सही नॉलेज लो। जैसे अगर आप इंटरेस्टेड हो इंजीनियरिंग करने में या डिप्लोमा करने में, तभी आप करने आओ। अगर आपका मन है बीटेक करने में, नहीं आप ग्रेजुएशन करेंगे तो आप बीटेक के पीछे भागो। लेकिन अगर आप डिप्लोमा के पीछे बेफालतू में भागते हैं, अपने घर वालों को दिखाने के लिए भागते हैं, या किसी और रिश्तेदार को दिखाने के लिए भागते हैं, या अपने दोस्तों को दिखाने के लिए भागते हैं, तो वो कहीं ना कहीं आपके लिए गलत साबित हो सकता है। दोस्तों, डिप्लोमा के पीछे भागो मत। जो नॉलेज है उसके पीछे जो चीजें हैं उसको समझो, एनालाइज करो कि मैं पढ़ूंगा, पढ़ने में कितना मार्क्स लाऊंगा, पास आउट होऊंगा तो रिजल्ट क्या होगा, उसके बाद मुझे क्या करना है, उसके बाद कितना टफ होता है जॉब लेना या बहुत इजी होता है जॉब लेना। ये सारी चीज जब ओवरऑल आप बैठ के एनालाइज करोगे तब आपको समझ में आएगा कि नहीं, अब मुझे डिप्लोमा करना चाहिए या नहीं। और एक सजेशन मैं आपको दूंगा कि बहुत सारे मेरे दोस्त हैं 10th के बाद डिप्लोमा कर लेते हैं, ये थोड़ा सा पॉइंट गलत है। आप 12th एटलीस्ट करो, क्योंकि डिप्लोमा में जब आते हो, भले वो 10th लेवल की है, लेकिन नाउ एट दैट टाइम मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस जो है, पिछले 5 सालों से मैं जॉब कर रहा हूँ बीटेक करके, तो जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस वो कहीं ना कहीं आपके साथ मैं शेयर करना चाहता हूँ। आप प्रॉब्लम फेस कर जाते हो, जो फर्स्ट ईयर में जाते हो तो थोड़ा बहुत तो सेम होता है, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फाइनल ईयर से प्रॉब्लम फेस कर, आपको लगता नहीं 12th करना बहुत जरूरी है। तो डिप्लोमा करने के लिए आप भागो मत, चीजों को समझो फिर आप करो। तो उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा और आप इसको लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।